नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले स्विस कैनल बहुत चर्चे में था एक जायंट शिप एवर गिवन फंसने के कारण। चलिए आज वही कैनल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। स्विस कैनल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में, जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। स्विस कैनल का कंस्ट्रक्शन 25 अप्रैल 1859 को हुआ। फर्डिनेंड द लेसेप्स जो एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे, उन्हें स्विस कैनल का डेवलपर कहा जाता है। स्विस कैनल का कंस्ट्रक्शन 17 नवंबर 1869 को कंप्लीट हुआ था। स्विस कैनल का लेंथ 193.3 किलोमीटर है। स्विस कैनल तकरीबन 100 सालों तक ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में था, लेकिन 1956 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट नासेर ने इसे नेशनलाइज कर दिया। तब से आज तक स्विस कैनल को स्विस कैनल अथॉरिटी ऑपरेट करती आ रही है। नेपोलियन बोनापार्ट जो एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने 1798 में इजिप्ट को कॉन्क्वायर करने के बाद एक कैनल बनाने का सोचा था जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़े, लेकिन खराब कैलकुलेशन के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने स्विस कैनल को एक्सपांड करने का डिसाइड किया है, जिससे दूरी कमेगी और वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, स्पेशली एशिया और यूरोप के ट्रेड रूट्स को, और इस पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। 1967 में 15 शिप्स इस कैनल में 8 सालों के लिए फंस गई थी इजिप्ट में हुए वार के कारण। उन शिप्स को 1975 में रिलीज किया गया, जिनमें 2 शिप समुद्र में चलने योग्य नहीं बचे। तकरीबन 2000 साल पहले इजिप्शियन फराओ सुनेसेत 3 ने एक कैनल बनाया था जो नाइल रिवर को रेड सी के साथ जोड़ती थी। स्विस कैनल को वेस्ट और ईस्ट का लाइफलाइन कहा जाता है। तकरीबन 10% वर्ल्ड ट्रेड इस कैनल से हर साल पास होती है। एवरेज कहा जाए तो प्रतिदिन स्विस कैनल से 50 शिप्स पास होती है। 23 मार्च 2021 में वेदर ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण जायंट शिप एवर गिवन इस कैनल में अटक गया, जिसके कारण एक हफ्ते तक ट्रैफिक पूरा ब्लॉक था। लेकिन 29 मार्च को स्विस कैनल अथॉरिटी द्वारा किए गए कोशिशों के कारण फाइनली एवर गिवन शिप को निकाला गया और ट्रैफिक को फिर से रिज्यूम किया गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।